होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के ब्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं ब्लॉग हिंदी में बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली दे टोल्ड मी टू मेक अ ब्लॉग इन हिंदी, तो मैंने सोचा कि चलो इसी ब्लॉग से स्टार्ट करते हैं। तो आज जो जगह है आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं सच ठच के रेडी हूँ और मैं कहीं जा रही हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली एक जगह जा रही हूँ, मैं वो आपके साथ बाद में उसका नाम शेयर करूँगी क्योंकि अभी मैं नाम रिवील करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि यू नो हम इंडियंस हैं और हमें सस्पेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करूँ। तो हाँ, मैं ये जो जगह है यहाँ ना, मैं बहुत पहले से जाने की सोच रही थी। आई मीन मैं जब 2019 में स्टॉकहोम शिफ्ट होने वाली थी तो उस टाइम से ही मैं प्लान कर रही थी कि मैं स्टॉकहोम आते ही वहाँ जाऊँगी। फिर मुझे बाद में पता चला कि मैं वहाँ जाने के लिए एक एग्जैक्ट टाइम होता है, उसी टाइम पे मैं जा सकती हूँ। तो फाइनली आज वो दिन है जहाँ मैं जाना चाहती थी, इतने दिन से मैं वहाँ जा रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को भी वो जगह बहुत पसंद आएगा। तो लेट्स गो एंड मैं वहाँ जा के आप लोगों को दिखाती हूँ जगह कैसा है। तब तक ये रोड आप एंजॉय कीजिए। आज का वेदर भी बहुत सही है, तो मैं तो डर रही थी कि आज बारिश ना हो जाए, क्योंकि यहाँ ना मतलब थोड़ा गर्मी होती है बारिश हो जाती है, ऐसा सीन है। तो मैं तो डर रही थी बारिश ना हो जाए। तो हम पहुंच गए हैं, देखिए पीछे काउंटर है। पहुंच गए, तो अभी हम आए हैं स्ट्रॉबेरीज पिक करने। जी, मैं स्ट्रॉबेरी पिक करने आई हूं, है ना इंटरेस्टिंग। देखिए कितने सारे स्ट्रॉबेरीज और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ ना आप जैसे पर हेड 100 क्राउन्स करके लगता है, और उसमें आप यहाँ पे जितने टाइम चाहे रह सकते हो और जितना चाहे स्ट्रॉबेरी पिक कर सकते हो, लेकिन हाँ स्ट्रॉबेरी जो है वो 105 क्राउन्स पर किलो। तो आप इफ़ेक्टिवली अगर मानिए 2.5 किलो लेके जा रहे हो तो आपका 100 क्राउन्स करके जो पर हेड होता है वो माइनस हो जाएगा, और बाकी जितना अमाउंट होता है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि जो आपको चार्ज देना पड़ रहा है एंट्री फी, वो आपका रिइंबर्स हो जाता है। आप स्ट्रॉबेरी लेके जा रहे हो जितनी उसमें, आप देखिए मैं एंजॉय करती हूँ। तो इतना सारा स्ट्रॉबेरी लिया है, और लेने का प्लान था एक्चुअली, ये ना 5 किलो का है, तो मैंने सोचा था कि पूरा 5 किलो भर के रहूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ, मतलब आप देख सकते हो ये शायद ग्रीन हाउस जो है ना वो है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी लगती है, मेरा तो हालत ख़राब हो गई। मैं सोच रही थी कि मैं कम से कम 2 घंटे के लिए तो जा ही रही हूँ, बट आधा घंटे के अंदर मेरा हो गया। अब हम जा रहे हैं इसको वेट करा के, अगर एक्स्ट्रा पे करना है तो पे करेंगे, फिर देखते हैं। एक्चुअली ये ना स्टॉकहोम से बाहर है,
तो अगर पॉसिबल हुआ तो आसपास कहीं घूमेंगे, तो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी, तो देखते रहिए। अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं, अभी निकल रहे हम यहाँ से। तो हाँ, स्ट्रॉबेरी का जो मैं बोल रही थी, तो हमारा ना एक्चुअली हम स्ट्रॉबेरी थोड़ा कम लिए हैं, और हम 50 क्राउन्स का स्ट्रॉबेरी और ले सकते थे। तो उन्होंने हमको फिर बोला कि आपको ना 50 क्राउन्स का स्ट्रॉबेरी आप अभी तक पिक कर सकते हो, अभी भी, तो आप अगर चाहो तो यू कैन गो एंड पिक। बट हमने सोचा यार इतना गर्मी है, कौन वापस जाएगा, ठीक है। और वैसे एंजॉयमेंट के लिए हम सोच रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए 50 ग्राउंड हमने दिया, इट्स ओके ना। रास्ते में कहीं ड्राइव थ्रू या फिर कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह कहीं से कुछ खाना ले लेंगे, उसके बाद आसपास क्या है देख लेते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो कहीं जाएंगे, नहीं तो घर चले जाएंगे। चलिए चलते हैं। आप देखिए इतने सारे कार्स हैं, मतलब सब सुबह से अभी यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, अभी भी आ ही रहे हैं। हम जब वापस आ रहे थे तब कम से कम 8-10 जन तो अंदर जा रहे थे, तो बहुत लोग आ रहे हैं। एक्चुअली सब ना यहाँ वेट करके बैठे रहते हैं कि कब ये ओपन हो, और ये ना बस सिर्फ समर में ही ओपन होता है, तो जो भी यहाँ आना चाहते हैं उनको ना ये उल्वा गुब्बन करके एक है, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो जो लोग स्वीडन में ही रहते हो आप यहाँ आ सकते हो। वो आज से ही स्टार्ट हुआ है, मतलब आज मंडे है, मंडे से ही वो ओपन हुआ है। तो आप उस उनका फेसबुक का भी एक पेज है और इंस्टाग्राम में भी एक पेज है, तो आप वो फॉलो करो, मैं लिंक दे दूँगी, फॉलो करते रहो। नेक्स्ट कब ओपन है तो आप लोग आ सकते हो, और पहले से कुछ बुकिंग नहीं लगती है, आप यहाँ आओ। जितने लोग आ रहे हो 100 क्राउन्स करके पर एडल्ट लगते हैं, बच्चों के लिए 25 क्राउन्स, और 3 ईयर्स से कम एज के बच्चों के लिए फ्री है। तो आप यहाँ आके डायरेक्ट पे कर सकते हो और आप अंदर जाके स्ट्रॉबेरी पिक कर सकते हो। लेकिन आज तो खैर बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, धूप है, तो हम यहाँ मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रह सके। बट आप लोग चाहो तो यू कैन स्पेंड मोर टाइम, और बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत मतलब बहुत ही एंजॉय की मैं। चलिए चलते हैं। सेंट्रल में आ गए हैं। मैं घुमाते घुमाते इसको यहाँ तक लेके आ गई हूँ। कार पार्क करके हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, क्योंकि हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, रैंडमली आए हैं तो बस घूम रहे। आई नो इट साउंड्स क्रेजी, बट मैं हूँ ऐसी। धीरे धीरे आप लोगों को भी पता चलेगा हाउ क्रेजी आई एम एक्चुअली। चलिए देखते हैं मैं क्या क्या देख सकती हूँ, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ। ये है उपसाला सेंट्रल। हम रास्ते में आते आते एक चर्च हम लोगों को दिख गया था एक्चुअली, तो हम वहाँ जाने की सोच रहे हैं, बट पता नहीं कैसे जाएंगे, पागल की तरह भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ। वॉक करते करते हम फाइनली पहुँच ही गए, आई गेस ये एक चर्च है, देख सकते हो कितना सुंदर आर्किटेक्चर, इट्स सो ब्यूटीफुल। हम वो जो चर्च है ना, चर्च के पास आए थे, और यहाँ आके एक रेस्टोरेंट से खाना ले लिया है पैक करके, तो अभी हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि बहुत टाइम हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है,
और अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो हमने सोचा कि चलो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में कुछ अच्छा दिखा तो गाड़ी पार्क करके थोड़ा घूम लेंगे, नहीं तो गाड़ी में ही खा लेंगे। तो हम अभी घर जा रहे हैं क्योंकि अब और हिम्मत नहीं है घूमने की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आप नेक्स्ट टाइम से कोई भी वीडियो मिस ना करें। और स्टे सेफ, स्टे एट होम और बी हैप्पी। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।